तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कीमिंग के बारे में कि बेसिकली कार्ड स्कीमिंग कैसे होता है, मतलब कैसे जो है सो बेसिकली जो है एटीएम में जो है सो लोग दूसरे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो कैसे जो है सो एटीएम मशीन में कुछ मशीन फिट करके जो है सो अपना मतलब एटीएम नंबर्स कॉपी कर लेते हैं और जो है सो कार्ड में से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल तरीके से भी निकाला जा सकता है एटीएम को हैक करके। उसको हैक करना थोड़ा सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हैक करना पॉसिबल है। वैसे भी इसको निकाला जा सकता है इस तरीके से भी। और दूसरा तरीका है कि बेसिकली वो आप एटीएम में जिसमें कार्ड लगाते हैं उसमें होता है कि उसी के सेप का एक जो ग्रीन कलर का डब्बा होता है उसी के ऊपर एक और डब्बा लगा दिया जाता है। उसमें एक चिप होता है जो बेसिकली स्कैन करता है आपके कार्ड का नंबर कि आपके कार्ड में जो है आपके कार्ड का नंबर क्या है। ठीक है, और वो जो नंबर स्कैन करता है ना, उसके बाद वो नंबर यूज़फुल आपको पैसा निकालने के लिए चाहिए क्या है? एक नंबर और एक पासवर्ड। और पासवर्ड जानने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एटीएम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप टाइप करते हैं नीचे, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसमें कैमरा लगा रहता है। ठीक है, उस कैमरा से आप बेसिकली वो देख लेता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। और इससे क्यों वो जो है आसानी से कोई एटीएम दूसरा फेक एटीएम को लेके उसमें सेम कार्ड नंबर चढ़ा के और उसको स्वाइप इन करके पासवर्ड डालता है और उससे पैसा निकाल लेता है। तो ऐसे ही होता है स्कीमिंग। तो इससे बचने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जब भी एटीएम जाए आप जिसमें कार्ड लगाते हैं उसको एक बार हिला डुला के देखिए कस के। ठीक है, हिला डुला के देखिएगा ना उसको, अगर वो हिलता डुलता है तो उसमें से पैसा नहीं निकाले क्योंकि उसको मजबूती से बनाया रहता है, इसलिए वो हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर हिल डुल गया निकल गया तो समझिए कुछ लफड़ा है। दूसरा कि जो जिस जहाँ पर आप पिन डालते हैं उसके ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक ऊपर वाले में ऐसे नीचे से देखिए कि कहीं पे कोई छेद है कि नहीं, कोई छोटा सा छेद है कि नहीं। अगर कहीं छेद है तो बेसिकली समझ जाइए वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, स्कीमिंग हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे आप जो है सो बच सकते हैं उससे, उसकी मदद से। ठीक है, तो यही था दो तरीका जिससे कि आप स्कीमिंग से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। हमेशा उसको वीगल करके देखिएगा और साथ में जो है सो वहीं देखिएगा कि कैमरा का है या नहीं, उसको हटा के कोई छेद उद है या नहीं। और साथ में उसको अगर अनयूजुअल लगे, कुछ अलग लगे, तो तुरंत जो है उसको हिला डुला के इधर उधर करके देखिए, कहीं ना कुछ पता चल जाएगा और आप बच जाइएगा स्कीमिंग से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।